प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब बात करेंगे एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2022-23 के एजुकेशन के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। यह पेपर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थियों के लिए था। इस पेपर में कुल 3 खंड थे, जिसमें सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। कुल 10 प्रश्न दिया गया था और सभी प्रश्न अनिवार्य थे। इसका उत्तर आप लोगों को 50 शब्दों में लिखना था। इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था डिफाइन एजुकेशन, जिसमें आपको शिक्षा की परिभाषा लिखनी थी 50 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन था गिव द मीनिंग ऑफ दर्शन, दर्शन शब्द का क्या अर्थ है इसको 50 शब्दों में बताना था आपको। डिफाइन आइडियलिज्म, आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए, 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न था डिफाइन टू वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन क्या है इसको परिभाषित करना था। इसके अगले प्रश्न था मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग एक्सप्लेन, मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापन है इसको स्पष्ट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 था गिव द मीनिंग ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद का अर्थ बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गिव द डिफिनेशन ऑफ जैन दर्शन, जैन दर्शन की परिभाषा बताइए। प्रश्न नंबर 8 था गिव द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द त्रिरत्न अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न क्या है। और इस खंड का आखिरी प्रश्न 10वां था, शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द एजुकेशनल फिलॉसफी। इस प्रकार इस खंड में कुल 10 प्रश्न थे, जिनका 50 शब्दों में उत्तर देना था। अब हम लोग खंड ब की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से कुल 9-8 प्रश्न दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दे रहा था और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का 7 नंबर का था, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने पर आपको टोटल 35 मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 था डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए। फोकस ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म, जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट आर द एजुकेशनल एम्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को समझाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 था गिव द टीचिंग मेथड ऑफ जैनिज्म, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ जो थी उनको लिखना था। फोकस ऑन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या था इसको प्रकाश डालना था आपको। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक दर्शन टू एजुकेशन, इस्लाम दर्शन का शिक्षा में क्या योगदान है इसका मूल्यांकन आपको करना था। इस प्रश्न में आपको इस्लाम धर्म की जो आइडियोलॉजी थी उसका आपको पक्ष विपक्ष और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के फील्ड में उस पर आपको प्रकाश डालना था। अगला प्रश्न है गिव द नेचर ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू आइजलिज्म, आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन का क्या स्वरूप था। जैसे कि अनुशासन में आप लोग को बताया गया है प्रभावात्मक, दंडात्मक और आत्मानुशासन की बात की गई है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। और लास्ट प्रश्न था इस सेक्शन का फोकस ऑन द वुमन एजुकेशन बाय विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालिए। स्त्रियों की शिक्षा के बारे में विवेकानंद ने क्या विचार दिए हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उन्हें सह शिक्षा देना चाहिए कि नहीं, ब्रह्मचारिणी जो स्त्रियों का उनका कॉन्सेप्ट था, ये सब इसमें आपको लिखना था। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, देखोत्तीय प्रश्न की तरह प्रश्न इसमें आए हुए थे और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का था, 2 प्रश्न करना था, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें लगभग 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखने थे। कुल 4 प्रश्न आए हुए थे दीर्घ उत्तरी में, जिनमें से आपको किसी 2 का जवाब लिखना था। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, फोकस ऑन द एम एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालनी है, यानी कि इसमें आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं और उनके अनुसार सिलेबस करिकुलम क्या होना चाहिए
उसके बारे में आपको विचार लिखना था। गिव द मीनिंग एम्स एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के अर्थ उद्देश्य और पाठ्यक्रम बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 11 था इस खंड का दूसरा प्रश्न। इसमें आपको अस्तित्ववाद शिक्षा का क्या अर्थ बताता है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, अस्तित्ववाद ने शिक्षा के किन पाठ्यक्रम को बताया है, उसके बारे में आपको विचार लिखने थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इवेलुएट द टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशन, प्रयोजनवाद का शिक्षा में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको प्रयोजनवाद की जो भी सैद्धांतिक मान्यताएं हैं, उनका जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है, उनका आपको एक मूल्यांकन लिखना था, अर्थात उनके गुण दोष के बारे में आपको चर्चा करनी थी और आप उससे हमें क्या लाभ मिला, शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की तरफ हमें ध्यान आकर्षित करना था। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था, इवेल्युएट द एजुकेशनल थॉट ऑफ श्री अरविंदो, श्री अरविंद के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन कीजिए। अरविंद ने शिक्षा के बारे में क्या विचार दिए हैं, उसका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, उसके क्या गुण क्या दोष हैं, हम इसका मूल्यांकन के संदर्भ में रखते हैं। जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो उनके पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं और उसके करेक्टरिस्टिक गुण और दोष के साथ साथ विशेषताओं की बात करते हैं और क्या योगदान उन्होंने दिया, उनके शैक्षिक विचारों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें इवेल्युएट करना होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के MA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शिक्षा